मेरा नाम शीबा है, मैं शुरू से बहुत ब्यूटीफुल जर्नी रही है मेरी और प्रेजेंटली मैं कंपनी की प्रेजिडेंट हूँ पीसी ज्वेलर में और ये मेरी दोस्त प्रीति है। मेरा नाम प्रीति खन्ना है, बाय प्रोफेशन मैं एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करती हूँ और ये एक सोल सर्चिंग जर्नी हमारी रही है, शायद बचपन से ही कुछ ऐसा है और हम एनिमल एक्टिविस्ट हैं और एक्टिविस्ट मतलब इनकी आवाज़ है। सबसे ज़्यादा खुशी इंसान को तभी मिल सकती है, स्पेशली मुझे तब मिली जब हम इनके लिए कुछ कर पाए। आई थिंक हम फॉर्चुनेट हैं कि हम इनको इनके लिए कुछ कर पाए और ये तो सेल्फलेस हैं, हम लोग सेल्फिश हैं। ये तो आप खाना भी नहीं दोगे तभी भी आपको प्यार करेंगे, खाना दोगे तभी भी प्यार करेंगे, आपके बच्चे आपका इंतज़ार नहीं करेंगे, ये आपके लिए हमेशा वेट करेंगे, जब तक आप लोग वापस नहीं आओगे दरवाज़ा नहीं छोड़ेंगे। तो इनसे इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल चीज़ क्या हो सकती है इस धरती पे कि भगवान ने हमें मौका दिया है कि हम इनके लिए कुछ कर पाए। तो हमारे लिए ये सेवा वाली जो बात थी ना, ये बहुत एक इनकलकेट थी। और दूसरा जो हमने हमेशा अपनी नानी को करते देखा था कि वो एक रोटी गाय की बनाती थी और एक रोटी वो डॉग के लिए देती थी, तो हमारे घर के बाहर था, तो ये चीज़ बचपन से ही चलती आई। हमारा लिमिटेशन सिर्फ खाने में नहीं था कि हम इनको खाना दे पाए, हम खाना के अलावा मेडिकल इनका ध्यान रखना, कितने बच्चे हैं जो पैलेटिक हैं, बुढ़े हैं, बीमार हैं, उनको हम लोगों ने उठा के बोर्डिंग में रखा है, उनकी सेवा कर रहे हैं। क्रुएलिटी कोई केस हो रहा है वो देखना, रेस्क्यूज करना। लॉकडाउन में एक सिचुएशन ऐसी आई कि जहाँ इंसान तो जा ही रहा है लेकिन जानवर के लिए किसी इंसान को नहीं सोचा कि इनके लिए कौन पानी प्रदान करेगा, कौन खाना देगा। 400-500 हो गए थे पर ये है कि जो काम चालू किया, जो हमें भगवान ने ड्यूटी बांधी लॉकडाउन में, वो आज तक कंटिन्यू है। और जिस वक्त हमें G20 का इंटीमेशन आई है कि ये लेटर जब रिलीज करी गई कि आवारा जानवरों को G20 के लिए उठाया जाएगा, जिस दिन ये लेटर निकली सारे एनिमल एक्टिविस्ट हम लोगों की एकदम से हवा पूरी टाइट थी कि ये क्या सिचुएशन है, ये गलत है। हम सब लोगों ने इमीडिएटली ये चीज़ ऊपर तक पहुँचाई, लेटर निकल गया कि स्टे ऑर्डर डल गया है, अब नहीं उठाया जाएगा, पर हमें विश्वास नहीं था। हम MCD के ऑफिस गए, सिविल सेंटर पे, वहाँ पे हम डायरेक्टर से मिले, डायरेक्टर ने हमें धमकी दी और बोला गया कि आपने प्रेशर डलवा दिया है लेकिन कुत्ते तो हम उठाएंगे। 3 तारीख को इन्होंने ये काम चालू करा, सबसे पहले एयरपोर्ट पे एक क्रुएलिटी केसेस में किस तरह से उठाया गया, वहाँ से हमको एकदम खबर मिल गई कि ये गलत काम चालू हो गया है। हम लोग जब तक दौड़े तब तक इन्होंने 50-60-100 की तादाद में क्रिमिनल एक्टिविटी की तरह गाड़ियाँ दौड़ा ली। कौन सा प्रेसिडेंट T1, T2, T3 में उतरा है, सारे प्रेसिडेंट्स और डेलीगेट्स अंदर उतरे हैं जहाँ से गाड़ियाँ गई हैं, क्यों इन जानवरों के साथ किया गया। अभी ये नहीं कि हमने डायलॉग नहीं करा, हम पर्सनली वहाँ गए हैं, लेकिन उसके बाद हमारे पीठ पे लिटरली स्टैप करा गया, हमको ऊपर से ऑर्डर है। किसके ऑर्डर है, कोई ऑर्डर रिटर्न में नहीं मिले हमें। हमारे साथ 1000 कुत्ता दिल्ली का उठाया गया है, 1000 डॉग्स, दुख की बात है, इतने दुख की बात है। ह्यूमन के साथ भी किया गया, वो भी एक देखने वाली बात है। और इन जानवरों ने क्या बोला था G20 में, इनका क्या क्या रोल था, जो आपको खेलते खाते थे वो गायब है। जो आए थे डेलीगेट उनको नहीं पता था कि इस कंट्री में डॉग्स नहीं है। सो एक ही क्वेश्चन है जो अपने आप प्लीज आंसर करिए, हर सिटीजन इस कंट्री का आंसर करिए। हर चीज के लिए एनिमल्स के ऊपर क्यों आई बात, उनके ऊपर ब्लड क्यों आए, मतलब अगर हमें कोई चीज़ ब्यूटीफाई करनी हो तो उनको शक्ल से हटा दो, मतलब ये हमें किस तरह से तंग करते हैं, ये आज तक हमारी समझ के बाहर है। जब वो पीसफुली रहना चाहते हैं तो उनको रहने दीजिए पीसफुली, आप उनको खाना नहीं देना चाहते मत दीजिए, पर कम से कम उनके ऊपर क्रुएलिटी तो मत कीजिए ना। भला वो ये कुछ दुकान वालों का, हॉकर्स का, सड़क के लोगों का, जिसके आई थिंक भरोसे ये बच्चे जी रहे हैं। कितने हैं लोग जो पेवमेंट में आप लोग देखोगे उनके साथ सोते हैं, उन्हीं के साथ सो रहे हैं, उन्हीं की रक्षा कर रहे हैं, और वो लोग जो अपने लिए पेट नहीं भर पा रहे हैं वो इनका पेट भर पा रहे हैं। हमें इनसे ही सीखना चाहिए, हम तो कुछ नहीं करते हैं, ये करते हैं। तो ये एक अंदर से आवाज़ आती है जो पीछे से आती है कि मेरा कौन देखेगा, इनको कौन देखेगा। सो अब आप देख रहे हैं मेरे घर में जैसे ही दिख रहे हैं ये सारे रेस्क्यूज बच्चे,
मैं आपको प्रोविजन दिखाऊंगी कि मैंने घर में, और मेरे जैसे बहुत लोगों ने कैंडल्स बना रखे हैं, खाना बना रखा है, ड्राइवे में कोई बच्चा आता है रात में रख लेते हैं, सुबह हॉस्पिटल पहुंचा लेते हैं, या जैसे मेरे घर में दिवाली में एक इतना पटाखा बजता है बच्चे बेघर हो जाते हैं। मेरा घर उस रात में उन बच्चों के लिए एक होम बना होता है कि सराय बन जाती है, अंदर आते रहो। ये कम से कम 13-14 साल की है, ये लास्ट दिवाली में बेचारी भटक के आ गई थी, तो हाँ ये हमारे घर में रहती है। एक घर एक पक्षी का ध्यान रख ले या एक जानवर का ध्यान रख ले तो सारे जानवरों का ध्यान रखा जाएगा, एक सिर्फ एक ही ले ले कि मैं चलो एक जानवर का ध्यान रखता हूँ। उनको क्लियर इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए कि किस तरीके से वेलफेयर काम होना चाहिए एनिमल में। और जितना मैं जानती हूँ संजय जी, ऑनरेबल सर इस चीज को सीरियसली लेंगे और हमारी बात सुनेंगे, क्योंकि उनके जितने भी हम पास भाषण देखे उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्गली अपील किया था कि आप लोग इंडीज को अडॉप्ट कीजिए, तो कहीं ना कहीं उनका भी दिल दुखता होगा। आपके आसपास जो पशु है उनकी भी चिंता करनी है। लॉकडाउन की वजह से अनेक पशुओं के सामने, जानवरों के सामने भी भोजन का संकट आ गया है। मेरी लोगों से प्रार्थना है कि अपने आसपास के पशुओं का भी ध्यान रखें। पूरा सृष्टि का निर्माण जब हुआ होगा तो इट वॉज वेरी क्लियर कि ह्यूमन भी रहेंगे, जानवर भी रहेंगे, पेड़ पौधे भी रहेंगे, नदियाँ भी रहेंगी, पहाड़ भी रहेंगे। तो ये तो पूरी सृष्टि का निर्माण इस तरह से हुआ है, तो हम क्यों चैलेंज कर रहे हैं इसको। सो माई मैसेज इज लिव एंड लेट, सब सुखी रहें, खुश रहें और सेवा भाव सब करते हैं। मेरा एक ही मैसेज है गवर्नमेंट को, सिटीजन को, कि इस तरह के लॉज बनाए जाए जो इनके प्रति कोई क्रुएल्टी ना हो, इनके प्रति पूरा सम्मान, इनका ध्यान और इनकी सेवा करनी चाहिए, यही है। और स्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स बनने चाहिए इनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, और ये सिर्फ तभी हो सकता है जब हम ABC रूल्स और SOPs और गवर्निंग बॉडीज इनके प्रति कंपैशनेट हार्ट रखने की कोशिश करें, यही मेरा एक मैसेज है। Please subscribe to our channel Talking Tales and do not forget to press the bell icon so that whenever we upload a video, you'll come to know.